वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज है मंडे और आज हम जा रहे हैं घूमने। आज इन्होंने करा है ऑफ, सो हम कहाँ जा रहे हैं और बहुत ही एंटरटेनिंग एंड बहुत ही मस्त ब्लॉग होने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह हम आपको लेके जाएंगे आज, तो आपको बट आपको ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। बहुत सारी मस्ती करेंगे हम इस ब्लॉग में, तो आप पूरा ब्लॉग वॉच करना। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अभी मैं। फिर ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी हो गए, फटाफट आपसे मिलते हैं और फिर चलते हैं हम ब्लॉग की तरफ। तो बिल्कुल रेडी, यहाँ पर करी रेडी या काजू रेडी, सो भी चुके हैं, एक नैप ले चुके हैं और मैं भी रेडी। और ये है हमारा आज का आउटफिट। सो हम जा रहे हैं स्नो सिटी, आप भी चलिए हमारे साथ। सो गाइज, यहाँ पर हम निकल चुके हैं अपने जहाँ हमें जाना था स्नो सिटी एडवेंचर के लिए, वहाँ पर। सो गाइज, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं एडवेंचर आइसलैंड। हाँ जी, आप सही सुन रहे हो, एडवेंचर आइसलैंड के अंदर ही हमारा ये स्नो सिटी पार्क बना है। 6 मई को ये न्यूली ओपन हुआ है, रोहिणी सेक्टर 10 में। यहाँ हमने टिकट्स ले ली, ये है हमारी टिकट। आगे आपको प्राइस दिख ही रहे हैं। स्नो सिटी पर कहाँ जा रहा है? टिकट प्राइस की बात करें तो 500 रुपीज़ पर एडल्ट पर्सन है और 400 रुपीज़ किड है। जो 10 ईयर्स से बिलो है उनके लिए 400 रुपीज़ टिकट है और 1 आवर की टाइम लिमिट इसमें होती है। से हमने अपने लिए जैकेट्स और शूज़ और ग्लव्स लिए जो कि हमारे टिकट प्राइस में ही इंक्लूड है। यहाँ हमने कर लिए अपनी ड्रेस वेयर, अब हम करने जा रहे हैं एंट्री। सो गाइज, आप लोग कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मतलब मनी वसूल वाला हिसाब है इसमें। अगर आप जाओ तो एक तो नियर का नियर है और बहुत ही अच्छा है, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हम टनल में जा रहे थे और आप देख सकते हैं, क्राउड देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि मतलब क्या, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है और टिकट प्राइस भी एकदम रीज़नेबल है, तो आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। काजू हेलो गाइस कर दो। परी क्या समझ में आ रहा है? सो गाइस, अभी हम आए हैं स्नो सिटी और अभी हम टनल में हैं। बहुत अच्छी जगह है। नहीं चले वैसे, हम आ गए एंड पॉइंट पे। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, एक ट्यूब राइड है और एक ये ऊपर ब्रिज सा बना रखा है जो मतलब जैसे वो लक्ष्मण झूला होता है वैसे ये भी हिलता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी बहुत अच्छा है। और बच्चों के लिए ट्रम्पलिंग भी है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल प्लेस है ये। DJ भी है जिसमें हम डांस कर रहे हैं। Ah!
कर रहे हैं, स्नो से खेल भी रहे हैं, डीजे पे डांस भी कर रहे हैं, बट हम राइड्स नहीं ली। वो जो ट्यूब राइड थी वो बहुत ही मतलब काफ़ी लोग उस पर घिर भी रहे थे और हमको डर लगा इसलिए हमने नहीं ली। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, सेफ है वो। और यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको टाइम लिमिट का भी याद दिलाते रहेंगे कि मतलब आपका 1 आवर का टाइम है, तो आप अपना टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही जाएं। और यहाँ पर आप देखिए हम बॉल से भी इंजॉय कर रहे हैं खेल के। गाइस ये जो आप एरिया देख रहे हैं डांस जोन का एरिया है, डीजे एरिया। गाइज हमारा हो गया था टाइम अप, तो हम बाहर आ गए थे, हमने चेंज कर लिया था, मतलब जैकेट रिमूव कर दी थी। घूमा है स्नो सिटी, पर आपको मजा आया? हैंड्स देख सकते हैं, हैंड्स देख सकते हैं आप, फ्रीज हो गए इसके हैंड्स। पर मेरे को बाहर आके तो इतनी दोबारा से गर्मी लग रही है, मन कर अंदर ही रह लूँ, पर क्या करें, रह नहीं सकते ना। हाँ सो गाइज आप भी यहाँ आके स्नो के मजे ले सकते हैं। और ये स्नो सिटी बना है न्यू, एक तो नोएडा में भी काफ़ी जगह है, लेकिन दिल्ली में फर्स्ट जो स्नो सिटी बना है वो है एडवेंचर आइसलैंड के अंदर। तो आप भी आए और इंजॉय कर सकते हैं फैमिली और अपने बच्चों के साथ। टिकट प्राइस है 500 रुपीज़ एडल्ट और 400 10 ईयर्स से बिलो जो बेबी मतलब किड्स हैं उनके लिए, और 3 ईयर्स से जो बिलो बेबी है उनके लिए टिकट प्राइस फ्री है। गाइज हम हो चुके थे बहुत ज़्यादा टायर्ड, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, आज के लिए इतना ही।